वो पानी पाकिस्तान की ओर चला जाता है। जब ये डैम फुल हो जाता है तो भाई पानी पाकिस्तान की ओर चला जाता है। तो भाई देखिए ये हरिके बराज का पूरा नज़ारा, अभी ये पूरा कचरा आ रखा है देखिए यहाँ पे, यहाँ तक पूरा जहाँ तक आप नज़ारा देखेंगे हरिके बराज का बहुत ही। इसको भाई पंजाब के अंदर ना राजस्थान फिल्टर बोलते हैं, और राजस्थान में जैसे ही मसीदा वाली हेड के अंदर ये एंटर करती है तो इसको इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं। और तो भाई दोस्तों नमस्कार, अभी मैं हूँ हरिके बराज पे, जहाँ पे भाई इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़ा जाता है भागा नागल डैम से, जो आगे अमृतसर के पास में हरिके गांव में जो एक डैम पड़ता है उसे हरिके बराज कहते हैं, जहाँ से भाई इंदिरा गांधी नहर में पानी चलता है। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये इंदिरा गांधी नहर है और कितनी बड़ी और कितनी विशाल का ये नहर है, आपको यहाँ से देखकर अंदाजा हो गया होगा। और हरिके बराज का जो नज़ारा है ना भाई, वो सबसे पहले मैं आपको डैम का नज़ारा बताऊँगा। तो भाई देखिए ये हरिके बराज का पूरा नज़ारा, अभी ये पूरा कचरा आ रखा है देखिए यहाँ पे, यहाँ तक पूरा जहाँ तक आप नज़ारा देखेंगे हरिके बराज का बहुत ही जो शानदार नज़ारा है। मैं आपको बता दूँ वो जो उस साइड में चलती है ना, वो उस साइड में वो नहर नहीं, वो पुलिया बना रखा है, ऊपर रोड है और उसके उस पार जो पानी जाता है, जब ये बराज हरिके बराज फुल हो जाता है तो वो पानी है ना जो पाकिस्तान चला जाता है, जाना ही पड़ता है क्योंकि फुल पानी होता है, नहरों में आता नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर इसमें से कौन सी है? मैं आपको बता दूं भाई, ये है इंदिरा गांधी नहर। और तो भाइयों ये दो नहरें हैं जिसमें से एक तो पंजाब की लोकल नहर है और ये है इंदिरा गांधी नहर। तो भाई इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल, आप जैसे मैं बता दूं इसको पंजाब के अंदर है ना जो राजस्थान फील्ड बोलते हैं, इसको भाई पंजाब के अंदर है ना राजस्थान फील्ड बोलते हैं। और राजस्थान में जैसे ही मसीदा वाली हेड के अंदर ये एंटर करती है तो इसको इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं। और अभी पानी की आवक है ना भाई बहुत ही ज़्यादा है, बरसात हो रही है, इसलिए बार बार मैं कैमरे पे ना पानी गिर रहा है क्योंकि भाई अभी बरसात है। 7 तारीख है आज, 7 को मतलब इतनी बरसात है, रात से बहुत ज़्यादा बरसात है भाई। और अभी है ना इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान के 4-5 जिलों की जीवनदायिनी नहर है और इससे लोग अपना जीवन यापन करते हैं और खेती करते हैं, किसानी करते हैं। और पानी कैसे आता है, पानी का क्या सिस्टम है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैं बता दूं इंदिरा गांधी नहर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गेट हैं, वहाँ से देख सकते हैं 8-9 गेट पूरे हैं और 8-9 गेट में भाई पानी पूरे गेट है ना फुल खुले हुए हैं। ये देखिए भाई ये गेट पूरे के पूरे खुले हुए हैं और यहाँ से जो पानी है ना भाई वो जाता है राजस्थान के इन 4 जिलों में, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सब 4 जिलों में जो राजस्थान का जो खेती करने का पानी है वो यहीं से जाता है भाई। तो अगर आप इंदिरा गांधी नहर के किसान हैं तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करें कि कहां कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और अभी आपके यहां पे कितनी पानी की बारी आ चुकी है और कितनी कितनी आएगी, कैसे आएगी। तो मैं अभी खड़ा हूं हरिके बराज पंजाब में, जो अमृतसर से थोड़ा आगे हैं और बठिंडा से पीछे, बठिंडा से थोड़ा आगे और अमृतसर से पीछे हैं। तो भाई ये है ना जो आप देख रहे हैं हरिके बराज से इंदिरा गांधी नहर की साइज देखो आप कितनी बड़ी है, कितना पानी का बहाव है वो मैं आपको बता दूं भाई। नीचे जैसे ही देखता हूँ ना तो इतना डर लग रहा है ना कि भाई क्या ही बताएं आपको। तो दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर का जो पानी बिल्कुल ही साफ है यहाँ से, और लोग बोलते हैं ना कि आगे जाता जाता ये खारा या मतलब केमिकल युक्त हो जाता है। और यहाँ से मैं डैम का एक बार फिर से नज़ारा बता देता हूँ क्योंकि भाई ये चीज़ है ना लोगों को, जो किसान है जो इंदिरा गांधी नहर पे बैठे हैं उनको अभी तक ये पता नहीं है कि हमारा पानी है जो कहाँ से आता है। तो मैं आपको बता दूँ ये पानी है हरिके बराज, ये सतलुज और व्यास नदियों का संगम है जिसको, जहाँ से ये पानी आता है। देखिए सतलुज नदी और व्यास नदी आ रही है तो ये दोनों नदियों का संगम है जहाँ से भाई ये हरिके बराज का पानी है जो डैम बना के रोका गया है। और उसके बाद में ये वहाँ तक तो भाई बहुत ज़्यादा केलियाँ आ चुकी है देख सकते हैं आप। और अभी यहाँ पे साफ है तो ये पूरे गेट साफ है, देखिए यहाँ पे ये केली कुछ गद्दा वद्दा भी आ रखा है। और वो है ना भाई पानी, वो पानी पाकिस्तान की ओर चला जाता है, जब ये डैम फुल हो जाता है तो भाई पानी पाकिस्तान की ओर चला जाता है। तो भाई दोस्तों अभी मैं है ना जो अमरनाथ की यात्रा पे था, और अमरनाथ की यात्रा से आते वक्त, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ भाई और इंदिरा गांधी नहर पे
मैं भी खेती करता हूँ, तो मैंने सोचा मैं देख के आऊँ, मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये पानी कहाँ से आता है, तो मैंने सोचा मैं देख लूँ तो आप लोगों को भी बताऊँ कि ये पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है और इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे है। अभी राजस्थान पंजाब में ना लोग इसको इंदिरा गांधी नहर नहीं बोलते हैं, पंजाब में बोलते हैं राजस्थान फीडर। और यहाँ पे ये हरिके बैराज का ये ऐसा नज़ारा है। तो भाई वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपको इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।